नमस्कार। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे मैं आचार्य संजय इस वीडियो में विचार करेंगे गण निर्णय, देवगण, मानवगण, राक्षसगण किन किन नक्षत्रों पे इसे स्थापित किया जाता है, सूत्राकार शास्त्र पे क्या सूत्र दे रहे हैं। अश्विनी मृग पुष्यार्च हस्त्यास्वाति पुनर्वसु मैत्र श्रवण रे भत्यो नव देवगण स्मृताः। अर्थात अश्विनी मृगशिरा पुष्या हस्त्या स्वाति पुनर्वसु अनुराधा श्रवणा रेवती ये नौ नक्षत्र देवगण हैं और मानवगण का नक्षत्र अगला सूत्र पे बता रहे हैं। त्रीणोत्तरासी मेहिन्या रूपुर्वा भरणिस्तथा आरद्राया स संयुक्ता नैवेते मानवगणाः। कौन कौन से नक्षत्र मानवगण पे आ रहे हैं? पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भाद्र द्विजा, आरद्रा यह नक्षत्र मानवगण पे आते हैं। अब विचार करेंगे राक्षसगण आने वाले नक्षत्र। सूत्राकार शास्त्र पे क्या लिख रहे हैं? कृत्तिका च विशाखा च मघा ज्येष्ठा च मूलकाम चित्रा शतभिशाश्लेषा धनिष्ठा राक्षसा गणाः। कृत्तिका, विशाखा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, चित्रा, शतभिशा, अश्लेषा, धनिष्ठा ये नौ नक्षत्र राक्षस गण पे आते हैं। तो अति सहज, सरल, सुंदर सूत्र यहाँ गणों के बारे में बताया गया है। अब गण के फल कथन के बारे में सूत्राकार क्या लिख रहे हैं अगला सूत्र में समझेंगे। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।